बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज का जो टॉपिक है, लंग्स और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज जो है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लंग्स के स्ट्रक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास, बेसिकली उसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक एयर पैसेज वेज और जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, और सेकंड है हमारे पास लंग्स। तो लंग्स की तरफ आते हैं। लोकेशन क्या है? प्लेस इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में होते हैं, जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये हमारे पास लंग्स हैं, चेस्ट कैविटी में मौजूद है। इनक्लोज बाई चेस्ट वॉल, और इसके की जो है चेस्ट वॉल जो होती है उसने सराउंड किया होता है। चेस्ट वॉल किस चीज़ की बनी होती है? इसमें बोन, स्किन और डिफरेंट फैट मटेरियल जो है मिलकर जो है हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं बॉडी के, उसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। ठीक है, तो इन मटीरियल को हम कहते हैं वो चेस्ट वॉल का काम करते हैं। ठीक है, सो लंग्स भी हमारा एक वाइटल ऑर्गन है, तो इसके जो है क्या होती है, चेस्ट वॉल मौजूद होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट वॉल में हमारे पास ये बोन जो है लाइक रिब्स होती हैं, इसके अलावा स्टर्नम जिसको जो है ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, वो भी जो है वो चेस्ट वॉल का एक पार्ट है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। बिलो द लंग्स अ मस्कुलर स्ट्रक्चर डायफ्राम इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमें डायफ्राम स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसका रोल बेसिकली किस में है? ब्रीथिंग में है। और डायफ्राम एक मस्कुलर जो है ऑर्गन है हमारे पास। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये जो थोरेसिक कैविटी होती है, ये वाली कैविटी जो होती है, इसको एबडोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो चेस्ट वॉल जिसने चेस्ट वॉल ने जिस स्ट्रक्चर को कवर किया होता है, वो हमारे पास थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी बनाते हैं, जबकि जो लोअर साइड पर डायफ्राम की लोअर साइड पे जो पोर्शन मौजूद है वो हमारे पास है एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, तो इट्स मीन ये सेपरेट करती है चेस्ट वॉल को, सॉरी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, उसके अलावा जो है प्लूरा, प्लूरा क्या है? लंग्स जो होते हैं, लंग्स आर इनक्लोज इन अ डबल मेम्ब्रेन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास लंग्स मौजूद हैं। ठीक है, तो प्लूरा ये देखें, प्लूरा की लाइनिंग, ये जो आपको ये लाइनिंग नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्लूरा की लाइनिंग है, मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर देखो तो येलो कलर में आपको दोनों लंग्स में जो है इन मेम्ब्रेन के दरमियान में एक फ्लूइड नज़र आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, इसमें वाटर और डिफरेंट जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और बेसिकली इस फ्लूइड का क्या काम है कि क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मीन ड्यूरिंग ब्रीथिंग जो है मूव करते हैं, तो इनकी मूवमेंट को जो है ये इजी बनाती है, ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली लंग्स का स्ट्रक्चर। अब हमने पढ़ा था कि लंग्स में जो होते हैं ट्रेके दो ब्रांचेस में जब डिवाइड होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ब्रोंकाई और फर्दर ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वोलाई में हमारे पास एंड होते हैं, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो नेक्स्ट में हम उसको देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है थोड़ा सा पढ़ा है कि ब्रीथिंग क्या था। सांस लेने का अमल दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। ठीक है, इनहेलेशन में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ एयर को इनहेलेशन कहते हैं, यानी सांस अंदर लेके जाने के अमल को इनहेलेशन कहते हैं, और एक्सहेलेशन किसको बोलते हैं? लेटिंग आउट ऑफ एयर यानी सांस बाहर निकालने के अमल को क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन का प्रोसेस होता कब है कि जब एयर प्रेशर इन लंग्स लोअर देन द प्रेशर आउटसाइड द बॉडी, कि जब एयर का प्रेशर हमारे लंग्स में कम हो और आउटसाइड द बॉडी जो है एनवायरनमेंट में हवा का प्रेशर ज़्यादा हो, तो क्या होता है? तो हाई टू लो जो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, और हवा जो है बाहर से जो है अंदर की तरफ मूव करती है जहाँ पर कम प्रेशर होता है। जबकि एक्सहेलेशन में क्या होता है? प्रेशर इन द लंग्स इज ग्रेटर, कि लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होता है? लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर हवा का प्रेशर जो है इर्द गिर्द कम होता है, तो क्या होता है कि आउटसाइड जो है वो एयर रिमूव होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन बोलते हैं। अब हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो ब्रीथिंग के दो स्टेप्स हैं, कैसे जो है टेक प्लेस होते हैं विद इन द बॉडी। इंस्पिरेशन सबसे पहले, इसकी रीजन क्या होती है कि डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए, ये डायफ्राम है रेड कलर में जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है हमारे पास? डायफ्राम है। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब हमने सांस लेना होता है, हवा अंदर लेके जानी, तो डायफ्राम मसल क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इट बिकम फ्लैट इन शेप, यानी ये इनकी शेप जो है वो फ्लैट हो जाती है। लाइक अगर आप इनहेलेशन में भी देखें, ये फ्लैट शेप में हो रहा है। ठीक है,
ये क्या हो जाता है, फ्लैट शेप में हो जाता है, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स के जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन में, देखें ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और रिब केज जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। जब ये सारे प्रोसेस होते हैं, यानी डायफ्राम भी फ्लैट शेप में आ गया हमारे पास, ठीक है, और इसके अलावा जो है रिब्स के जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट कैविटी जो होती है उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ये डायफ्राम भी फ्लैट हो जाता है, और यहाँ पर जो रिब्स होती हैं ये भी क्या हो जाती हैं, फ्लैट इन शेप हो जाती है, तो थोरेसिक कैविटी के जो वॉल्यूम है हमारे पास इंक्रीज होता है, और जो लंग्स में जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर मोर स्पेस अवेलेबल होती है कि हवा जो है वहाँ पर आ सके, एटमोसफेरिक एयर रश इन टू द लंग्स थ्रू एयर पैसेज, तो फिर एयर पैसेज वे के थ्रू जो है हवा जो होती है वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है, जबकि एक्सपायरेशन लेटिंग आउट ऑफ एयर में क्या होता है कि मसल ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम रिलैक्स, पहले इस इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि एक्सपायरेशन में रिब्स और डायफ्राम दोनों के मसल जो हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन डायफ्राम की जो होती है वो डोम पोजीशन, डोम मतलब ऐसे पोजीशन होती है, ठीक है। तो अब दोबारा से अपनी डोम पोजीशन में आप देखो तो दोबारा डोम पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। रिब केज गोज डाउन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिब केज भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस, यहाँ पर आप देखेंगे ओरिजिनल पोजीशन रिब केज की आ जाता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज एंड प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीज, तो जब वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी का कम हो जाए तो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो एयर है वो बाहर की तरफ जो है वो एक्सपेल आउट कर दी जाएगी, ठीक है, तो एक्सपेल द एयर आउट। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें, आप देखेंगे इनहेलेशन का प्रोसेस, देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक्सहेल का प्रोसेस देखें, रिलैक्स डायफ्राम डोम शेप में आ गया, रिब केज भी अपनी उसी पोजीशन में आ गया, इनहेलेशन में देखें ये फ्लैट शेप में हो गया, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और हवा जो है वो अंदर एंटर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैसेज एक्सचेंज इन लंग्स, कैसे जो है लंग्स में गैसेज एक्सचेंज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होता है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि लंग्स में जो है ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो है हमारे पास बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक एयर सैक्स होते हैं, जिनको हमने एल्वोलाई बोलते हैं, और हमने पढ़ा था एल्वोलाई की जो वाल होती है वो थिन वाल होती है, थिन होती है, और इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये एल्वोलाई है हमारे पास, और इसके लिए देखें ब्लड कैपिलरीज ने इसको सराउंड किया गया है, ठीक है। तो और वाल भी इनकी थिन होती है, तो रिजल्ट जो है बेस्ट साइट प्रोवाइड करती है कि इजीली जो है हमारे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसेज एक्सचेंज जो है ब्लड कैपिलरीज और एल्वोलाई के दरमियान हो सके, ठीक है। सो गैसेज एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस यानी हाई टू लो कंसनट्रेशन जो है फिर गैसेज एक्सचेंज जो है वो गैसेज का होगा। अब क्या होता है, कैसे टेक प्लेस होता है, तो हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं कि अब जो एल्वोलाई के इतनी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, तो उनमें जो ब्लड आता है उनमें देखें तो वो ब्लड क्या है, उसमें ज़्यादातर वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है ब्लड कैपिलरीज में, जबकि जो एल्वोलाई हैं वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हवा जहाँ एल्वोलाई में आती है एयर सैक में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो अब क्या होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हाई, सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज देखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कहाँ पर जाता है, ब्लड कैपिलरीज में, और कहाँ पर कम है, एल्वोलाई में, एयर सैक जो है हमारे पास उधर कम है, तो क्या होगा, हाई टू लो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ मूव करेगी, इन एयर सैक्स में मूव करती जाएगी, ठीक है। ब्लू कलर में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है, जबकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, एल्वोलाई में ज़्यादा है, एयर सैक्स जो हमारे पास होती है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा है, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव करेगी, आप देखें रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, और ब्लड क्या होता जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारे पास जमा हो जाएगी, हाँ, हमारे पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगी, और फिर एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा, डायफ्राम और रिब्स के मसल जो हैं वो रिलैक्स होंगे, और जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो हवा है ये बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर दी जाएगी, लंग्स से बाहर एयर पैसेजवे के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा इसको, और ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है वो दोबारा भेज दिया जाएगा टूवर्ड्स द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो
अब इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये एक्सचेंज दिखाएगी, हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या स्ट्रक्चर है, ये एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, एयर सैक का। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन यहाँ से ब्लू कलर में एरो के फॉर्म में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है, और आरबीसी के साथ बाइंड होती जा रही है, और जबकि यहाँ पर आरबीसी से जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ पर मूव करती जा रही है। तो इस तरह ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता रहता है और CO2 जो है वो हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर से जो है बॉडी से बाहर रिमूव होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है वो लंग्स के बारे में पढ़ा कि लंग्स में कैसे गैसेज एक्सचेंज जो है विद इन द एल्वोलाई स्ट्रक्चर टेक प्लेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इसके अलावा हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी देखा कि कैसे ब्रीथिंग के दौरान जो है दो प्रोसेस, इनहेलेशन के और के दौरान क्या होता है कि हमारे पास चेस्ट वॉल्यूम, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से एयर प्रेशर, एयर जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है, और फिर बाद में कैसे जो है जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और कैसे जो हवा है बॉडी से बाहर रिमूव होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। इन सर होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।